अगली प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम चाहते हैं कि पासवर्ड अप्लाई करना, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर्ड एरिया है ये हमारा प्रोटेक्शन से बाहर रहे। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई भी सीट पे प्रोटेक्शन अप्लाई करूँ तो मैं रेस्ट ऑफ द एरिया कहीं भी कोई चेंजिंग ना कर पाऊँ, बट इस कलर्ड एरिया में चेंज कर सकूँ। तो सीट के ऊपर जब आप राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करते हैं तो यहाँ आपके सामने जो होता है वो होता है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल। तो जो पासवर्ड अप्लाई होती है वो लॉक सेल पे ही अप्लाई होती है। लॉक अनलॉक क्या होता है, किसी भी सेल के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के प्रोटेक्शन वाले टैब में जाएंगे तो वहाँ यहाँ आपको लॉक्ड पे क्लिक दिखेगा। जिस सेल पे लॉक्ड पे क्लिक है इसका मतलब है कि वो प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, इट मींस वो लॉक्ड है, वहाँ पे पासवर्ड अप्लाई होगा। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो पासवर्ड अप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैं इस एरिया जो कलर्ड एरिया है इस कलर्ड एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और इसकी लॉक को अनचेक कर देता हूँ एंड ओके। देन मैं इस पे पासवर्ड अप्लाई करता हूँ एंड ओके, पासवर्ड अप्लाई किया। अब देखिए इस रेस्ट ऑफ द एरिया में मैं किसी की चेंजिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस एरिया में हम आराम से चेंज कर पा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, इसमें सारे इसी तरह के सीक्वेंस वीडियोज कोर्स वाइज मिलेगा। थैंक यू।